भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में देश में कैसी महिला नीति हो इस विषय को लेकर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। हम लोगों ने इस विषय पर राष्ट्रीय संयोजक जयश्री बेन जी को बुलाया है जो मेरे बाईं ओर खड़ी हैं और इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। महिला नीति से तात्पर्य है नीति जिसमें कि हम संघर्ष से अलग हटकर इस देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, आने वाले समय में हमारी सरकार होगी और हमारी सरकार से हम कैसी अपेक्षा करते हैं कि वो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेगी। दूसरी सरकार जो लगातार इस देश में कार्य कर रही है उन्होंने आज महिलाओं को कहाँ खड़ा किया है, इन तमाम विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं और आज हमारी ये बैठक चल रही है। ये बैठक हमारी 3 स्तर पर होगी और 3 स्तरों पर हम इन विषयों पर बात करेंगे। थैंक यू। 3 स्तरों में आज हमारी ये पहली बैठक थी जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। आज जो विषय आएंगे हम उसके बाद में फिर शुरुआत करेंगे जिसमें हम दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और ये दोनों ही एक्सपर्ट्स की बातों को लेकर हम पार्टी के अपने तमाम नेताओं से विचार विमर्श करके उसको मूर्त रूप देंगे। इसमें दो मत नहीं है कि महिलाएं हमेशा से प्रताड़ित होती हैं और दंगे हो या कहीं पर भी हो उसमें महिला को निशाना बनाया जाता है, उसे कमज़ोर आंका जाता है। हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं और इन विषयों पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए।